जैसे आप सब जानते हैं, आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीज़ों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है, और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। तीन चार ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। वी हैव हियर आवर सस्पेंडेड मेंबर्स, दिस इज अ सिंबल ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, दिस इज द सिंबल of the crushing of the voice of the people of India. They've been suspended now for 2 weeks. They are sitting outside. Their voice has been crushed. They've done nothing wrong. We are not allowed to discuss important issues in Parliament. We are not allowed to debate things in Parliament. Bill after bill after bill after bill is just passed in the din. This is not the way to run Parliament. The Prime Minister doesn't come to the House. And any time we want to raise an issue of national importance, we are just not allowed to do so. It's a very unfortunate killing of democracy that is taking place. एक मंत्री ने ये किसानों को मारने का काम किया। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी, जैसे इनको चुप किया है वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए, सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई यह है कि किसानों के खिलाफ दो तीन बड़े पूंजीपति खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे हैं। मैं भी सोच रहा था इनको राज्यसभा के चेयरमैन ने नहीं निकाला है, इनको प्रधानमंत्री ने भी नहीं निकाला है, इनको उस शक्ति ने निकाला है जो किसान की कमाई और किसान की आमदनी चोरी करना चाहती है, इसलिए यहां बैठे हैं। प्रधानमंत्री इंप्लीमेंटर है, चेयरमैन इंप्लीमेंटर है। शक्ति, जैसे हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हर व्यक्ति के पीछे शक्ति होती है, दुर्गा की शक्ति होती है, लक्ष्मी की शक्ति होती है, वैसे ये पूंजीपतियों की शक्ति है। वो मुखौटा है। आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, कल आपने देखा गंगा जी में जाके स्नान किया, वो शक्ति का इंप्लीमेंटर है। और सिंपल सी बात है, ये शक्तियां जिन्होंने इनको निकाला जो किसान की आमदनी चोरी करना चाहती हैं, वो प्रधानमंत्री को ये जो सारे कैमरा है, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है, ये उनको देती है। ये शक्ति कहती है देखिए मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा।
गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता। मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की दो तीन शक्ति है, और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है, और उन्होंने इन लोगों को जो जनता की आवाज है उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। ये सच्चाई है, और देश को और किसानों को यह सच्चाई पहचाननी पड़ेगी। पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठाने नहीं देंगे। हम दो, हमारे दो, उठाने नहीं देंगे। चार लोग उठाने नहीं देंगे, इनको बाहर कर देंगे। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा, नहीं हो सकता। कैसे होगा, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ये तो अब बिल्डिंग है, म्यूजियम है, म्यूजियम है। राहुल जी, मेरा सवाल यह है कि लगातार आप सीतापुर, लखीमपुर खीरी गए, हिरासत में भी लिया गया आपके नेताओं को। 12 लोगों को एसआईटी ने कहा कि सोची संधि साजिश के तहत इन लोगों ने गाड़ियों से किसानों को रौंदा। अब सवाल यह है कि लगातार आप संसद के भीतर, संसद के बाहर ये मांग करते रहे कि जो मौजूदा गृहराज मंत्री है उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, वो अभी ऐसा हुआ नहीं। आगे अब आप जब इन्होंने अपनी जीप किसानों के ऊपर चलाई, इनके पीछे कौन सी शक्ति थी? छूट किसने दी? किस शक्ति ने उनको, कितने दिन हो गए, किस शक्ति ने उनको जेल से बाहर रखा आज तक? कौन सी शक्ति है ये? वही शक्ति है जिसने इनको निकाला।